पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों पर हुए कायराना हमले में शहीद वीर जवानों की स्मृति में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने नगर निगम से चेतना तिराहा होते हुए गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। बड़ी विनम्रता पूर्वक 130 करोड़ जनता पीएम से अनुरोध करती है कि अब सब्र का बांध टूट गया है, अब आतंकवाद व आतंकवादियों के सरपरस्त आतंकवादी देशों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। श्रद्धांजलि सभा में महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, सदर सांसद परवीर निषाद, विजय बहादुर यादव, पंकज शाही, श्याम देव निषाद, सिंहासन यादव, शहाब अंसारी, शकील अंसारी, संजय पहलवान, मनोज यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू मैना भाई, प्रमोद यादव, कीर्ति निधि पांडे सहित भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद परवीर निषाद और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, आप लोग जल भी जाइएगा, कुछ कपड़ा बड़ा मुद्दा उपड़ा पकड़ लेगा पीछे से। अध्यक्ष जो फाटर दिल यहाँ के अपना आगे कौन है फाटर दिल फोटो आज जो देश के साथ इतनी बड़ी क्षति हुई है, जो हमारे जवान शहीद हुए इस बर्बरतापूर्वक आतंकवादी हमले में, सबसे पहले तो हम समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी और अपनी तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उन जवानों को कि एक बार फिर से यह देश रोया है, एक बार फिर से यह देश रोया है। किसी माँ ने अपना बेटा, किसी बहन ने अपना भाई और किसी पत्नी ने अपना सिंदूर खोया है। तो इतनी बड़ी क्षति इस देश के साथ हुई और हमारे प्रधानमंत्री अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए, इसके खिलाफ़ हम लोग एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर वीर जवान शहीदों को दे रहे हैं ताकि आगे ऐसी कोई घटना न हो। और हम अपेक्षा रखते हैं अपने प्रधानमंत्री से, जो 56 इंच का सीना दिखाया था 2014 में, जो वादा किया था कि एक सर के बदले 10 सिर लाने का, वो आज वो पूरा करे। 47 जवान शहीद हुए हैं, 470 को मार के जब तक ये हमारे प्रधानमंत्री अपना वादा नहीं पूरा करते हैं, ये हमारे देश के साथ नहीं, देश के नागरिकों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ भी अधिक अस्फुट क्षति है कि हमारे प्रधानमंत्री अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। तो हम अपेक्षा रखते हैं अपने प्रधानमंत्री से कि इस पर ठोस कदम उठाना उन्हें आवश्यक है। आज़ादी के बाद देश में सैनिकों का सबसे बड़ा नरसंहार कल हुआ है और पूरा देश गम में डूबा हुआ है, दुखी है। उन अमर सपूतों के लिए जो 44 साथी हमारे बीच से, जो हमारी सुरक्षा में थे, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा में थे, उन जवानों के शहीद होने पर दुखी हृदय से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं और सरकार से, भारत सरकार से मांग करने के लिए कि भारत सरकार उन जवानों के शहादत का बदला, संबंधित लोग जिस पड़ोसी देश ने उन जवानों के साथ ये बर्बर कार्रवाई किया है, उनका बदला लेने का वक्त है। पूरा देश भारत सरकार के साथ है, हम उन्हें श्रद्धा समर्पित करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर।